नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी न्यूज। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब विद्युतकरण का बिजली विभाग का निजीकरण कर दिया, उसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। हड़ताल ऐसा किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी काफी परेशान नजर आए। देख सकते हैं इस तस्वीरों में, इस रिपोर्ट में, कैसे देवरिया जनपद में किस तरह हड़ताल पर बैठ के अपनी मांगों को मांग रहे हैं और अपनी मांग उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। अगर नहीं हड़ताल उनकी मांगे पूरी की गई तो ऐसे ही अनवरत हड़ताल पे बैठे रहेंगे और आगे चल के भूख हड़ताल भी करेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं देवरिया के वहाँ एसी कार्यालय पे है, जहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत कर्मचारी पूरे अपने यहाँ बैठे हैं। अपनी निजीकरण जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नियम लागू किया है उसको ध्वस्त करने के लिए, ताकि इस नियम की वजह से जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम सामने आ रही है, जो कर्मचारियों के साथ जो अव्यवस्था सामने आ रही है, उसको समाप्त करने के लिए सरकार से अपनी मांगे रखी जा रही है। अगर ये मांगे नहीं पूरी हुई, ऐसे ही विद्युतकरण ठप रहेगा और आवाज सारी चीज़ों पे ऐसे ही लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर उत्तर प्रदेश सरकार सही समय से इनका डिसीजन नहीं लेती है तो अनवरत ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जेल भरो आंदोलन पे भी ये मजबूर होंगे। आगे देखना है उत्तर प्रदेश सरकार कब तक इस पे सही दिशा अपना पाती है, या ऐसे ही ये आम कर्मचारियों के साथ ये वातावरण अपनाई रहेगी। कर रहे हैं, क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हमारी जो सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को बेचने का प्रस्ताव लाया गया। हम सब अपने ध्यान आकर्षण के मार्गम से इस प्रस्ताव को वापस करने हुए सरकार से अनुरोध किए। ये कार्यक्रम हमारा 1 सितंबर से चल रहा है। पहले हमने ध्यान आकर्षण किया और कल से जब 2 चरण की वार्ता प्रबंध निदेशक महोदय और अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन के वार्ता के उपरांत जब नहीं सफल हुई तो हम कल से पूर्ण रूपेण कार्य बहिष्कार के आ गए। कल शाम को हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों और ऊर्जा मंत्री के समक्ष प्रबंध निदेशक व अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन के साथ वार्ता हुई, वो भी वार्ता विफल रही। आज से हम लोग ये अपना कार्यक्रम अनवरत कर रहे हैं। यदि इसके बाद भी प्रबंध निदेशक और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये पूर्वांचल के विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रस्ताव को वापस नहीं किया गया तो हम हड़ताल में या जेल भरो आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। ये कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन और कब रुकेगा? ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जाता, और प्रत्येक दिन हम लोग इसको तीव्र करेंगे। क्या नाम है? पुष्कर उपाध्याय, क्षेत्रीय सचिव, राज्य विद्युत परिषद, यूनियन संगठन।